शॉर्ट वीडियोस बनाया करता था। तो अब शॉर्ट वीडियोस के लिए प्लेटफॉर्म क्या था उस टाइम पे फेमस था, टिकटॉक, तो टिकटॉक पे बनाता था। तो लोग बहुत मजाक उड़ाया करते थे, यार ये तो टिकटॉकर बन गया, ये तो टिकटॉकर है। बीच में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब आई थी, और यार एक क्रिएटर को ना वीडियो बनाने से मतलब होता है, प्लेटफॉर्म से मतलब नहीं होता। लेकिन फिर भी एक दाग लगा दिया था लोगों ने, अरविंद अरोड़ा सर तो टिकटॉकर बन गए। अरे टिकटॉकर बन गए, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ यार, मोटिवेट करता हूँ, फैक्ट देता हूँ। प्लेटफॉर्म होता है, वो मुझे जरिया दे रहा है, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। फिर भी लोगों ने बहुत बदनाम किया, मतलब बहुत सारे टीचर ने बहुत बुरा बुरा बोला, बहुत सारे ऐसे टीचर, उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने मुझे कितना कितना बुरा बुरा बोला था, अरे ये तो टिकटॉकर है, शॉर्ट वीडियोज बनाता है, सच बता रहा हूँ। और लोगों को, और उन्होंने लोगों को भी बोला, लोगों ने आके कमेंट सेक्शन में लिखा ये तो टिकटॉकर है, ऐसा है, जा तू टिकटॉकर है, ऐसे ऐसे करके बुरा बुरा बोलते थे। ये भूल गए कि यूट्यूब में मैं 6 साल से यूट्यूबर भी हूँ, मैं 6 साल से यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल रहा हूँ, 6 साल से मैं यूट्यूब पे मेहनत कर रहा हूँ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। बस लोगों को पता है क्या होता है, लोगों को दूसरों का मजाक उड़ाना, बहुत मजाक उड़ाया करते थे मेरा, मुझे आज भी याद है। वही लोग जो मेरा मजाक उड़ाया करते थे शॉर्ट वीडियोज को लेके, आज मेरी ही कॉपी करके शॉर्ट वीडियोज बना रहे हैं और अपने चैनल पे डाल रहे हैं, जरा सोचो। तो इसको बोलते हैं किस्मत का पलटना। इसलिए आप कभी को किसी को भला बुरा कह रहे हो ना, तो भाई सोच समझ के, वक्त बदल जाता है, कभी भी बदल जाता है। आज वो मेरे मुरीद हैं, वही कहते हैं ना कि मेरी बुराई भी सोच समझ के करना, क्योंकि जिसको तुम बुराई कर रहे हो वो मेरा फैन है। तो लोग मुझे बताते कि तुम्हारी पहले बुराई क्या करते थे, आज तुम्हारी कॉपी करते हैं। सो देयर आर मेनी पीपल हु आर एक्चुअली कॉपिंग माय कंटेंट, डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं। मतलब आप बिलीव करोगे कि डायरेक्टली कॉपी भी हो रही है मेरी वीडियोज की, लेकिन क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसलिए बोलते हैं कि पहले लोग आपकी बुराई करेंगे, बहुत बुराई करेंगे, टांग खींचेंगे, तो उल्लू का पट्टा है क्या कर रहा है, फिर आपको ऑब्जर्व करेंगे, अरे ये तो सक्सेसफुल हो रहा है, फिर आपको कॉपी करेंगे। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। तो आज जो लोग मेरी टांग खींचा करते थे, मेरी बुराई करते थे, मुझे टिकटॉकर बोलते थे, बुरा बुरा बोलते थे, चैट सेक्शन में बुरा बुरा लिखते थे, मेरे लिए अफवाह फैलाते थे, मेरे लिए लोगों को गलत गलत बोलते थे, बहुत सारे लोग हैं उनको अच्छे से पता है मैं किनको बोल रहा हूँ, वही लोग मेरी कॉपी कर रहे हैं आज, सोचो। ठीक है, तो ये बड़ी फक्र की बात है। इसलिए कहते हैं, ऊपर वाला कहते हैं ना कि लोग जो है कि टांग खींचे, आपकी बुराई करें, ठीक है। तो ठीक है, करने दो, मैं तो कहता हूं वो जिंदगी भर यही करें, मेरी टांग ही खींचते रहें, क्योंकि टांग खींचने के लिए आपको हमेशा मेरे से नीचे ही रहना पड़ेगा, और आप हमेशा मेरे से नीचे रहोगे। और मैं बुलंदियों को छूता जाऊंगा। मैंने तब भी इनको इग्नोर किया, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं अपना काम करूंगा। अगर वो लोगों को सुन के मैं अपना काम बंद कर देता, तो आज मैं यहां तक पहुंचता नहीं पहुंचता। आज मैं YouTube पे ऊपर वाले की दुआ से, आप लोगों के प्यार की बदौलत और लोगों के टांग खींचने की वजह से, मैं टॉप यूट्यूबर्स में शामिल हो चुका हूं। मेरे चैनल की ग्रोथ अब 8 मिलियंस तक पहुंच चुकी है, 15-16 मिलियन के फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं पूरे सोशल मीडिया को मिला के। अगर मैंने उन लूजर्स की बात सुनी होती, आई कॉल देम लूजर्स, बहुत है उनको मैं बेसिकली क्या है ना, जो बहुत सारे लोग हैं सो कॉल्ड, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट आई कॉल देम लूजर्स, एंड मेल है तो उनको लूजर्स और फीमेल है तो उनको मैं लूजरीज बोलता हूँ। सो आई कॉल देम यूजुअली लूजर्स एंड लूजरीज, जिनको जिंदगी में कोई काम नहीं है सिवाय टांग खींचने के। तो जो आपकी, देखो आपको मैं तरीका बताता हूँ, अगर वो टांग खींचे ना हमेशा आपकी, ये टांग खींचो क्या नहीं, जो आपकी टांग खींचे तो याद रखो उसका नाम रख दो, क्या, लूजर एंड लूजरी। अगर जैसे ना पड़ोसी होते हैं कई, जैसे नाम नहीं, कोई मेल है जो हमेशा खींचता रहता है, टांग खींचता रहता है, तो दोज आर कॉल्ड लूजर्स। कोई फीमेल है टांग खींचे तो लूजरी, लूजरी का मतलब होता है फीमेल वर्जन ऑफ लूजर, लूजरी। तो मैं इनको लूजर और लूजरी कहता हूँ, तो मैं उनका इसी नाम से बुलाता हूँ, हम लोग कॉन्वर्जेशन करते हैं तो इसी नाम से करते हैं। हमेशा याद रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, लोग जब टांग खींचे तो ज़रा ज़्यादा फोकस मत करो। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनके अंदर है ना बस यही रहता है कि टांग खींच लो, बुराई करो, टांग खींचो, बस फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उनको यही काम करने दो, वो इसी काम के लिए बने, वो इसीलिए आते हैं। कई लोग चैट्स में भी आपने देखा होगा, बहुत लोग एक ना एक सोच के साथ आते हैं, आज चैट में कुछ इसके लिए गलत लिखेंगे। मैं कहता हूँ ऊपर वाला तुमसे यही काम कराए, हमेशा मेरे सेशन में आओ, मेरे चैट में आओ और हमेशा मेरे लिए गलत लिखो, जिंदगी भर यही करते रहो, क्योंकि मैं वो बुलंदियाँ छूता जाऊँगा और तुम मेरे चैट में ही बैठे रहोगे। तो जो लोग चैट में आ गए और बुरा बुरा ही लिखते रहोगे, तो जो लोग बुरा लिखते हैं ना चैट में उनको कोई काम नहीं होता, और जिंदगी भर वो यही काम करेंगे। और मैं तो कहता हूँ भगवान करे तुम लोग यही काम करो, ठीक है। चलो, तो फाइनली अपने किरदार को इतना मजबूती से निभाओ कि मजा आ जाए, है ना। याद रखना जिंदगी में हार और जीत चलती रहती है, लेकिन जब तुम हार जाओ तब भी अगर तुम मुस्कुरा दो
है ना, तो सामने वाले की जीत भी फीकी पड़ जाती है। तो लगे रहो, मैं तो कहता हूं जो टांग खींच रहा है उसे खींचने दो, क्योंकि उनको ऊपर वाले ने यही किरदार दिया है कि तू जिंदगी भर अरविंद अरोड़ा के चैट में आके गलत ही लिखेगा और अरविंद अरोड़ा सेशन लेता जाएगा, लेता जाएगा, लेता जाएगा, बुलंदियां छूता जाएगा, छूता जाएगा, छूता जाएगा, और तुम उसके चैट में बैठ के उसको गरियाते रहोगे, गरियाते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। मुझे हंसी आती है, लूजर्स एंड लूजरीज, ओके, वेरी कोल्ड नेम, ठीक है। सो बस देखो ये क्या करता है, मैं ऐसे क्यों साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझसे बहुत दिल से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे देखने आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं उनको कुछ ना कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई आपको ना टांग खींच रहा हो, आपकी बुराई कर रहा हो, जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना, जवाब मत देना, अपने काम पर ध्यान देना, एक दिन आप बुलंदियों पर पहुँच जाओगे। बस जो जानते हैं ना मेरी स्टोरी कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ पहुँचा हूँ, वो अच्छे से जानते हैं कि इन सब चीज़ों के मायने कितने हैं। क्योंकि जिस वक्त आप ठहर के लोगों को जवाब दोगे ना, क्योंकि उनका तो काम ही यही है, उन्होंने किसी से 10-20 रुपए ले रखे हैं, वो आपकी चैट में आके या आपके आपके लिए कुछ भला बुरा बोलेंगे, या तो उनका कुछ फ़ायदा होगा या किसी ने उनको पैसे देके बिठाया होगा, वट एवर बी द रीज़न, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि बस वो 10-20 रुपए लेके जिंदगी भर ऐसे ही करते रहे, बस याद रखना उनको पलट के जवाब मत देना, समझ रहे हो। नो, वी डोंट हैव टू से एनीथिंग, ओनली से लूजर्स, दोज आर लूजर्स फॉर यू, दैट्स इट, ठीक है। उन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय ये काम करने के, है ना। तो अपने आप पे भरोसा रखना, कुछ नहीं होता, लोग बोलते रह जाएंगे, अपने क्राफ्ट पे काम करना, अपने आप पे काम करना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि आपकी मुस्कान आपकी शिकन खत्म करेगी, और आपसे जो जलते हैं चिढ़ते हैं वो वैसे ही मर जाएंगे, आपकी मुस्कान से ही मर जाएंगे। वही सोचेंगे इतनी टांग खींच ली यार फिर भी हंसता रहता है, इतनी टांग खींच ली फिर भी ये प्रोग्रेस कर रहा है, है ना। तो जिंदगी भर ऐसे ही उनको यही सोचते रहने दो, बस यही है ना। सो ये मैं आप लोगों को आज सबक दे के जा रहा हूँ।